तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिलासपुर यूनिवर्सिटी से काफ़ी दिनों बाद आपको नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। तो ये एडमिशन और काउंसलिंग होने वाली, पहले काउंसलिंग होगी, उसके बाद जो वेरीफाई होंगे उनके एडमिशन होंगे। लिस्ट भी काफ़ी लोगों की मेरी लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। तो क्या सब्जेक्ट है और कब काउंसलिंग है, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितनी फीस है, क्या प्रोसीजर रहेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन मैं आपको बता दूं, आज है 23 जुलाई, डेट देख सकते हैं, नोटिफिकेशन की डेट भी 23 जुलाई, आज की डेट भी 23 जुलाई है। तो ये जो है सबसे पहले BSc हॉनर्स और MSc APT का मतलब है फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी का। तो सबसे पहले BSc हॉनर्स और MSc फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी के टोटल सीट की अगर बात करें तो BSc हॉनर्स की भी 30 सीटें हैं और MSc फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी की भी 30 सीटें हैं। तो उसका यहाँ पर काउंसलिंग का एडमिशन होने वाला है। डेट आपको मैं बता दूँ तो डेट है कल, आज है 23 जुलाई, कल है 24 जुलाई। टाइम रहेगा 10 से 11 बजे, एक घंटे का टाइम है, आप 9 बजे पहुंच जाइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। डिपार्टमेंट रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ APT फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी में ये होगा। और डेट एंड टाइम ऑफ काउंसलिंग कम एडमिशन ये है, वही टाइम है यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन रिपोर्टिंग और रजिस्ट्रेशन का टाइम 10 से 11 रखा है और एडमिशन और काउंसलिंग 11:15 बजे से होगा, ठीक है, स्टार्ट होगा 11:15 बजे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ओरिजिनल के साथ साथ 1 सेट ऑफ जेराक्स कॉपी सेल्फ अटेस्टेड यानी आपके सिग्नेचर किए हुए। क्या क्या लगेगा ये देख लीजिए डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर काउंसलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ध्यान दीजिएगा। 10वीं 12वीं की मार्क्सीट ऑफ ग्रेजुएशन यानी कि MSc वालों को ग्रेजुएशन का लगेगा, BSc वालों को नहीं लगेगा, ठीक है। ट्रांसफ़र और कैरेक्टर सर्टिफिकेट एकदम मस्ट है, उसके बिना आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, डोमिसाइल यानी कि निवासी। और उसके बाद इसका फीस है 18,300 रुपये इन कैश टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन ऑन द डे ऑफ काउंसलिंग एज पार्ट ऑफ फीस एंड अदर अप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पे इन कैश है और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है, देखिए इन कैश टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन, तो यहाँ पे ऑनलाइन ही होना चाहिए, इन कैश यहाँ ये वर्ड नहीं होना चाहिए, थोड़ा कन्फ्यूजन, ठीक है। तो ये ऑनलाइन पे कर सकते हैं, कैश भी पे कर सकते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ इसके बारे में। और यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट ST SC OBC के लिए, गैप सर्टिफिकेट अगर आपका गैप है तब, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD अगर कुछ भी अगर है, दिव्यांगता है और अलग है, तो फिर यहाँ पर वीकेंड डिपार्टमेंट के लिए है जो अत्यधिक गरीब परिवार से आते हैं या फिर जिनके दिव्यांगता है उन लोगों के लिए सर्टिफिकेट। आधार कार्ड लगेगा और बैंक अकाउंट नंबर लगेगा, 4 कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ये सब आपके स्कॉलरशिप के लिए लगने वाला है। और सर्टिफिकेट अगर आपने NSSC या SSC या कोई स्पोर्ट्स किया है और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा 12th के मार्क्स में रिलैक्सेशन मिनिमम, तो अगर वो चीज़ें आप करके रखे हैं तो इसका फ़ायदा आपको होगा। माइग्रेशन अगर दूसरे यूनिवर्सिटी से है तो एलिजिबिलिटी लगेगा अदर स्टेट वालों को। और द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट कैन बी कैंसल, अगर कुछ भी आपका इन एलिजिबिलिटी है या फिर डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉल्ट है तो फिर आपका यहाँ पर एडमिशन कैंसिल किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है, तो ये मुझे लगता है 12th के बेस पे BSc हॉनर्स वालों का होगा और उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स पे MSc का होगा, ठीक है, BSc के मार्क्स पे इस प्रकार से है। और उसके बाद जो देखते हैं BSc हॉनर्स विथ रिसर्च, हॉनर्स एंड हॉनर्स विथ रिसर्च यानी कि जब को मालूम है कि अभी नया NAP 2020 के तहत जो ग्रेजुएशन है 3 और 4 साल का हो चुका है तो उसमें हॉनर्स विथ रिसर्च कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर अवेलेबल वो कोर्स के लिए है। और BCA के लिए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर काउंसलिंग और एडमिशन होने वाला है, तो 25 तारीख को, उसके अगले मतलब 25 जुलाई को होने वाला है 10:30 बजे से 1 बजे के बीच में, ठीक है। तो इसके लिए बाकायदा यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था AUU GCET, ये
हुआ था उसमें जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम ये एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था उसके रिजल्ट उसके मेरिट के आधार पर ये एडमिशन होगा, उसकी लिस्ट भी आ चुकी है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो लगने वाले फील्ड एप्लीकेशन आप जो आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था AAU GCET आपने जो दिया था उसका एडमिट कार्ड लगेगा और फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा और 10वीं 12वीं मार्कशीट है, माइग्रेशन है, ट्रांसफ़र है, कैरेक्टर है, गैप है तो गैप, और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रिमिलियर OBC वालों के लिए और 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट वाला होना चाहिए। यहाँ पर फीस दिया गया है, देखिए फीस हॉनर्स एंड हॉनर्स विथ रिसर्च के लिए 9,300 रुपये दिया गया। एडिशनल फीस अंडर सेल्फ फाइनेंस सीट्स विल बी 4,000 रुपीज़। मतलब मैं सीटें आके आपको बताऊँ कितनी सीटें और 4,000 किस चीज़ के लिए है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी लिस्ट आप लोग देखेंगे तो BCA का 18,300 रुपये दिए गए, ऑनलाइन मोड से पे कर सकते हैं। तो पहले से पे नहीं करना है, आप जाएंगे आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर वेरीफाई होंगे, अगर सब कुछ सही पाया जाता है तब आपको बोला जाएगा कि फीस पेमेंट कीजिए, तभी आपको फीस पेमेंट करना है, ठीक है। अब वही सर्टिफिकेट NSC SSS स्काउट गार्ड्स में है, स्पोर्ट्स में है तो वो सर्टिफिकेट आप ला लीजिए, और कोई डिसेबिलिटीज है, फिजिकली हैंडीकैप्टेड है तो वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कोई और भी डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक चीज़ समझना है, जो नया शिक्षा नीति हुआ है लागू सभी अभी छत्तीसगढ़ में भी, तो उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको उम्मीद करता हूँ पहले से आपको ये NEP मालूम है 2020 किस प्रकार से इस साल सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे, किस प्रकार से आप बीच में निकलकर बीच में फिर से एंट्री कर सकते हैं, और अपने जो डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है उससे अदर सब्जेक्ट भी आप लोग साइंस वाले आर्ट्स या कॉमर्स के सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, ये NEP में इस साल शामिल है, वो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और 1 बजे के बाद आप लोग जाएंगे तो कोई मतलब का नहीं, उसके पहले ही आपको जाना है, ठीक है। और यही सब चीज़ें हैं, और उसके बाद वेन्यू जो इसको मैं बता दूँ आपको, रूम नंबर 07 ग्राउंड फ्लोर, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी, इन फ्रंट ऑफ कोनी थाना, रतनपुर रोड, बिलासपुर, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया गया है। तो ये जो है देखिए BSc हॉनर्स कंप्यूटर साइंस का जनरल मेरिट लिस्ट है। तो टोटल सीटों की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो सीटें हैं टोटल सीटें यहाँ पर 14 सीटें जो है नॉर्मल है, और ये 14 सीटों के लिए 9,300 जो यहाँ पर फीस दिया गया है, 9,300 ये 40 जो सीट है उसके लिए 9,300 रखा गया। उसके बाद 10 सीट पेमेंट सीट है, तो 10 पेमेंट सीट के लिए ये 4,000 एक्स्ट्रा देकर, यानी कि जैसे कि वो पहले 40 सीटें फुल हो जाती है उसके बाद किसी को और एडमिशन चाहिए तो 10 सीटें और दी जाएगी, उसके लिए यहाँ पर रेट को बढ़ाया गया है 4,000 एक्स्ट्रा देकर, यानी कि 13,300 रुपये देकर बाकी के 10 सीट में भी एडमिशन ले पाएंगे। तो टोटल जो लिस्ट जारी हुई इस प्रकार से लिस्ट है, रोल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो कैटेगरी से जनरल OBC है, ST है, SC जो भी है, यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे गए। तो हाईएस्ट जिसने स्कोर किया है वो 73 है, और इसमें इस तरीके से पूरा जो नाम मैं बता देता हूँ कितने टोटल स्टूडेंट, 72 स्टूडेंट है, तो 29 से लेकर जो लिस्ट जारी हुई है उसमें 29 से लेकर 73 स्टूडेंट जो हाईएस्ट नंबर है उसका यहाँ पे इतने स्टूडेंट की लिस्ट जारी हुई है, 29 से लेके 73 के जितने भी मार्क्स इसमें ऑप्टेन है उन लोगों के, ये जनरल में मुझे लगता है सारे लोगों के नाम आ चुके हैं इसमें, और 72 स्टूडेंट ने इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है ऐसा मैं कह सकता हूँ। बाकी का मुझे पूरा आइडिया नहीं कि कितने लोग इसको एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन 72 स्टूडेंट के यहाँ पे लिस्ट जारी हुई है। उसके बाद BCA के लिए, BCA के लिए यहाँ पर देखिए 29 स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है, 71 से लेके 17 नंबर तक स्टूडेंट के यहाँ पे लिस्ट है। तो ये लिस्ट का PDF लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर पाएंगे और देख पाएंगे। तो भाई कल जो है BSc हॉनर्स और MSc FPT यानी कि फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का काउंसलिंग है, उसके बाद BSc हॉनर्स एंड हॉनर्स विथ रिसर्च और BCA वालों का 25 जुलाई को यहाँ पर काउंसलिंग होनी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ एक नए वीडियो में।